हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी और ग्रेड डी की सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली आप शायद ना जानते हो, रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीए जो कि पहले 38% था, अब उसको बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अब जो डीए बढ़ा है तो इसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो क्या होने वाली है आपकी नई सैलरी आफ्टर 42% डीए, तो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं तीनों ही ग्रेड्स के बारे में, खास करके ग्रेड सी और डी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा तीनों ग्रेड मतलब ग्रेड सी में दो ग्रेड्स होती हैं, एक होती है ग्रेड पे 4200, दूसरा होता है 4600। वहीं दोस्तों ग्रेड डी पे होता है 2400। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम जानेंगे तीनों ही पे स्केल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका ग्रेड डी का। जी हाँ दोस्तों, तो जो ग्रेड डी का है आपका, वो है 2400 पे स्केल। 2400 पे स्केल पर आपकी जो बेसिक सैलरी बनेगी वो बनेगी 25,500 रुपये। वहीं दोस्तों, जो कि डीए जो अब बढ़ करके 42% हो गया है, अब जो आपका डीए बनेगा इसके अकॉर्डिंग 42% वो होगा 10,710 रुपये। वहीं दोस्तों, जो आपका एचआरए है वो बनेगा 6,885, यानी 6,885 रुपीज़। वहीं दोस्तों, आपका जो सीपीसी और ट्रैवलिंग अलाउंस है ये होगा आपका 5,112 रुपये, यानी कि 5,112। जी हाँ दोस्तों, अब टोटल आप इसको करेंगे तो ये बनेगा आपका 48,207 रुपीज़। वहीं दोस्तों, ये आपका ग्रॉस पे है। ग्रॉस पे इसलिए क्योंकि दोस्तों, ये जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, क्योंकि कुछ डिडक्शंस, खास करके एनपीएस, सीजीएचएस और भी कुछ डिडक्शंस होती हैं, उसके बाद जो कट पिट करके आपके अकाउंट में जो सैलरी आने वाली है दोस्तों, वो होगी अराउंड 44,000 समथिंग, जो कि आपकी ग्रेड डी की 2400 पे स्केल की जो सैलरी होगी वो होगी कितनी, 44,000 प्लस। वहीं दोस्तों, आगे हम जानते हैं ग्रेड सी के 4200 पे स्केल वाली जॉब की, जो आपकी सैलरी बनेगी उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ग्रेड सी 4200 पे स्केल के बारे में। दोस्तों, जो आपका 4200 पे स्केल होगा ग्रेड सी वालों का, उसमें आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 35,400 रुपये, यानी 35,400 रुपीज़। इसका जो 42% डीए बनेगा, यानी 42% जो डीए बनेगा वो बनेगा दोस्तों 14,868 रुपये, यानी 14,868 रुपीज़। वहीं दोस्तों, आपका जो एचआरए बनेगा वो बनेगा 9,558, यानी 9,558 रुपीज़। और आपका जो सीपीसीटी है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, वो होगा 5,112 रुपये। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा अराउंड 64,938 रुपीज़। बट दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, ये होगा आपका ग्रॉस पे, यानी जो ग्रॉस सैलरी बनती है आपकी वो होगी 64,938 रुपीज़ 4200 पे स्केल में। बट इसका भी कुछ डिडक्शंस होगा, जैसे कि 2400 पे स्केल पे होता है, सेम इसमें भी कुछ डिडक्शन होगा, इसका भी कट पिट करके आपको कुछ एक अमाउंट बनेगा। वहीं दोस्तों, आगे चलते हैं ग्रेड सी की 4600 पे स्केल वाली जो पोस्ट्स हैं, खास करके MEA और AFHQ। तो दोस्तों, जो आपका 4600 पे स्केल है उसमें आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 44,900, ये होगा आपका बेसिक पे। वहीं दोस्तों, इसके बाद आएगा आपका डीए होगा 8,858 रुपये, सॉरी 18,858 रुपये, यानी कि 18,858 रुपीज़। वहीं दोस्तों, इसके बाद जो आपका एचआरए बनेगा वो होगा 12,123 रुपीज़। वहीं दोस्तों, इसके बाद आपका आता है टीए, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस होगा आपका 5,112। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये क्रॉस हो रहा है ना 80,000 प्लस, यानी कि आप आराम से एक आईफोन तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होगा ग्रॉस पे 80,993 रुपीज़। इसमें भी कुछ डिडक्शन होंगी, उसके बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर, खास करके ग्रेड सी और डी।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, खास करके प्रेफरेंस फॉर्म कब आने वाला है, वैकेंसीज जो फाइनल होंगी वो कब आने वाली है और क्या रहने वाली है आने वाले दिनों की फाइनल की कट ऑफ, तो उसके बारे में भी जानेंगे आने वाली वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।